हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आप लोग एक 12 वोल्ट एलईडी लाइट को 220 वोल्टेज के ऊपर कैसे ऑपरेट कर सकते हो। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि दोस्तों इसके अंदर आपको बनाते वक्त कोई भी गड़बड़ी ना हो, आपको कोई भी नुकसान ना पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, वो भी इलेक्ट्रॉनिक शॉपी के ऊपर। दोस्तों, ये है 12 वोल्टेज की एलईडी लाइट, और ये है 4007 नंबर का डायोड। उसके बाद दोस्तों, 225 माइक्रोफेरेट का एक हमें कैपेसिटर चाहिए, 225 के का भी है और जे का भी आप लोग बोल सकते हो। ये है 1 मिली ओम का रेजिस्टेंस, और ये है दोस्तों 50 वोल्ट 470 UF का कैपेसिटर। 25 वोल्ट 470 UF का कैपेसिटर आप लोग यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, चारों डायोड को हमने कुछ इस तरीके से कनेक्ट करके इसे ऐसे बना लिया है, और इसके सारे पिनों को हमने कट कर लिया है, ताकि ये एक दूसरे में शॉर्ट ना हो। अब इसके बाद डायोड को हमें कैपेसिटर में कनेक्ट करना है। जैसे कि मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसके डायोड के, प्लस वाले प्लस में कर रहा हूँ और माइनस वाले माइनस में कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन में। तो अब इसके बाद कैपेसिटर का जो प्लस और माइनस हमने डायोड के साथ कनेक्ट किया है, तो वो होगा आउटपुट। ये है प्लस, ये है माइनस, इसे इसमें से 12 वोल्टेज का आउटपुट पावर सप्लाई निकलेगा। अब हमें लेना पड़ेगा एक 225 के का कैपेसिटर। दोस्तों, ये है 400 वोल्टेज का कैपेसिटर है, इसके अंदर दो पिन होते हैं। तो दोनों पिनों को सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से मोड़ लेना है, और आपको किसी ब्लैंक पीसीबी बोर्ड के अंदर इसे फिट करके, और ऐसे आपको फिट करना है कि आपको इसे टच ना होने पाए, और इसे कुछ अच्छे तरीके से आपको अलग टाइप से इसे बनाना होगा, जो कि इसके अंदर शॉर्ट सर्किट ना हो। और ये हमारा 1 मिली ओम का रेजिस्टेंस, तो इसे आपको कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना होगा, जो कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब हमने इसके दोनों पिन पे कैपेसिटर के दोनों पिन के ऊपर 1 मिली ओम का रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों, इसे एसी करंट देने के लिए कुछ हमें इस टाइप का एक पिन को यूज़ करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, हमें इसे कहाँ पर कनेक्ट करना है, जो 225 जे का कैपेसिटर है वहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस लगाया, वहाँ कनेक्ट करना है, और ये जो डायोड है इसके इस वाले पिन पे कनेक्ट करना है। तो दोस्तों, अब हमारा ये सर्किट पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। दोस्तों, अब आपको इसे यूज़ कैसे करना है, डायरेक्टली आप लोग अगर इसे यूज़ करते हो या फिर एसी आउटपुट दे देते हो, तो ये आपका कैपेसिटर जो है ख़राब हो जाएगा, या फिर ये उड़ भी सकता है। दोस्तों, तो आपको सबसे पहले इसमें इसके अंदर एक एलईडी को कनेक्ट करना है। दोस्तों, आपको इसे एसी जो आउटपुट हमने डायोड के साइड में दिया है, तो उसके अंदर आपको एक
रेजिस्टेंस भी लगाना होगा 220K का। आप लोग नहीं भी लगा सकते हो और लगा भी सकते हो, कब नहीं लगाना है और कब लगाना है मैं आपको बता देता हूँ आगे चल के। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ रेजिस्टेंस हमने इसलिए लगाया है, आपको अगर कोई भी एलईडी को यूज़ करना है जो कि एलईडी कम वोल्टेज के ऊपर जलती हो तो उसके अंदर आपको ये रेजिस्टेंस को यूज़ करना है। और अगर एलईडी अगर अच्छी वाली हो उसके अंदर रेजिस्टेंस वगैरह पहले से ही लगे हो तो आपको रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये कैपेसिटर फूल गया है, थोड़ा अब क्यों फूल गया है मैं कुछ कर रहा था एक्सपेरिमेंट तो क्यों फूल गया है मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो इसके अंदर आपको एसी करंट सबसे पहले नहीं देना है बिना एलईडी को कनेक्ट किए। ऐसा हमें इसलिए करना है क्योंकि कैपेसिटर में एनर्जी आते रहती है और कैपेसिटर फिर ख़राब हो जाएगा, हो सकता है कि ये एकदम से उड़ जाए। और मैंने यही गलती, और हाँ रेजिस्टेंस जो हमने इसके अंदर 220K का लगाया है पहले नहीं लगाया था और मैं इसे यूज़ कर रहा था, आप लोग देख सकते हो उसका एलईडी का ये ख़राब हो चुका है अब क्योंकि मैंने इसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं लगाया था। तो आपको रेजिस्टेंस लगाना है, इसीलिए लगाना है कि आपका एलईडी ख़राब ना हो। आप लोग देख सकते हो इसका बीच वाला एलईडी ये देखिएगा ख़राब हो चुका है, तो अभी भी ये दो एलईडी इसके चालू है। और रेजिस्टेंस ना लगाने का कारण ये है, अगर आप लोग दूसरी वाली पट्टी यूज़ करते हो जो कि आप लोग मैं अभी आगे चल के आपको बताऊँगा ये वाली पट्टी, तो इसे आप लोग बिना रेजिस्टेंस के भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसे हाथ नहीं लगाना है क्योंकि इसे हाथ लगाते हो तो शायद इसके अंदर एसी करंट आएगा और कम आएगा लेकिन फिर भी आएगा और ये आपको हानि पहुंचा सकता है। तो आपको इसे टच बिल्कुल भी नहीं करना है, इसके अंदर प्लस माइनस होते हैं तो प्लस माइनस को हमें इसके कैपेसिटर के अकॉर्डिंग हमें कनेक्ट करना है। तो दोस्तों अब ये सर्किट हमारा पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हमें एसी करंट को इसके अंदर ऐसे एसी वायर को जो हमने यूज़ किया है आउटपुट देने के लिए हमें इस तरीके से ऐसे कनेक्ट करना है। आप लोग देख सकते हो रेजिस्टेंस अब हमने कनेक्ट किया है, तो रेजिस्टेंस अब आप लोगों को अगर ये वाली एलईडी चलानी है तो रजिस्टर को आपको निकाल लेना है। दोस्तों रजिस्टर और रेजिस्टेंस एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही है। अब हमें इसे निकाल के यूज़ करना है, तो हम लोग देखते हैं अब ये वर्क करता है या नहीं करता है। दोस्तों इतनी बड़ी वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि आप इसे ठीक से बना सको, कोई दिक्कत ना आनी पाए। दोस्तों मैंने आपको इसीलिए पहले ही बोला था, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो समझ गए होंगे कि ये बड़ी वीडियो क्यों बनाई है मैंने। हो सकता था कि मैं आपको जल्दी से 5 मिनट में 3 मिनट में का काम है ये, लेकिन इतना सारा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी सारे लोग आपको नहीं बताते हैं ये सब बातें कि आपको ये शॉक लग सकता है, ये लग सकता है, वो लग सकता है। तो हमने अब आप देख सकते हो ये अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, आपको हाथ भी नहीं लगाना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी ना तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और हाँ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर वो इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद करते होंगे तो। दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।
दोस्तों आप इस प्रोजेक्ट को यूज़ करना पसंद करोगे या नहीं करोगे ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।